उठ जाओ, मैंने खाना बना के रख दिया है और फिर चले जाना। मैं अब जा रही हूँ, मेरा टाइम हो गया। ठीक है, बाय। ठीक है यार। ऑफिस का टाइम कहाँ? देखता हूँ खाने में क्या बना है। आज भी दाल ही बना के गई है। इसमें चावल होगा। रोज दाल चावल खाना पड़ा जैसे, और कुछ बनाना आता ही नहीं इसे। चलो खाना खाते ही नहीं है। अरे दाल तो ऐसे ही रखी हुई है और ये चावल भी इसमें ऐसे ही लगता है, खाया अभी नहीं। अब मैं क्या करूँ, अगर कुछ बनाऊँगी तो ये खाना वेस्ट हो जाएगा। चलो इसी को गर्म करके खा लेंगे हम बाद में। कहाँ थी तुम? टीवी देख रही थी। अब मुंह हाथ धो के तैयार हो जाओ, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। खाने में क्या बनाया हुआ? बनाना क्या था, वो सुबह के दाल चावल रखे थे तो मैंने सोचा कि वेस्ट हो जाएगा इसलिए कुछ बनाया नहीं। यार सुबह भी दाल चावल थे इसीलिए मैं खा नहीं, रो दाल चावल बनाते हो। और कुछ बनाना नहीं आता क्या तुमको? चलो ठीक है, आपको जो खाना है मुझे बता दो, मैं वो बना देती हूँ आपके लिए। ये ना अब खाना ही नहीं है तो मैं ना जितना करना वही बनाओ, रोज बना रहे हो, मैं परेशान हो गया हूँ। ऑफिस में भी लोग मुझे चिढ़ाने लगे, इसलिए मैं आज से दाल चावल ले ही नहीं गया था। मैं रोज दाल चावल, कुछ बना नहीं आता तुमको? मैं खाऊंगा ही नहीं। ये देखो सो गई, खाना ना देना पड़े ना, सो गई। उठ जाओ, खाना दे दो, भूख लग गई है मुझे। उठ जाओ, उठ जाओ यार। क्या हो गया इसे? लगता है इसकी तबीयत ज़्यादा खराब है, भैया कॉल करना पड़ेगा। हेलो। हेलो। हाँ भैया, क्या हुआ अभिनय? गुंजन की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, आप घर पे चले आओ। हाँ सामान भी सारा लेके आना पड़ना डॉक्टर वाला। ठीक है। जी जी आ जाइए जल्दी, परेशान मत हो, हम आ रहे हैं। अरे ये विनय, गाड़ी पार्क कर दो। ठीक है भैया, देखते हैं क्या हुआ है। भैया मैंने गाड़ी पार्क कर दी है। अरे विनय इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारी दोनों की लड़ाई हुई क्या गुंजन? हो तुम्हारी नहीं भैया, रोज ना जॉब पे लोग चिढ़ाते रहते कि रोज दाल चावल लाता है, रोज दाल चावल लाता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। तुम्हें कब से लोगों से फर्क पड़ने लगा भाई? लोग तो तुम्हारा बुरा ही सोचेंगे, और जब से गुंजन से तुम्हारी शादी हुई है तब से हमारी टेंशन बिल्कुल खत्म हो गई है। हमेशा तुम्हें खाना पिला खिलाती, टाइम पे सब कुछ कराती है, और तुम जो है लड़ते फिरते रहते हो। रिश्ता बनाने से बनता है, समझे? सॉरी भैया। गुंजन की है जो याददाश्त चली गई है,
इन्हीं तुम्हारी गलतियों की वजह से, और वो शादी का सारा कुछ भूल चुकी है, अब वो तुम्हें अपना पिता मानती है। याददाश्त चली गई बेड पे गिनने से, बेड पे गिनने से याददाश्त चली गई। अगर तुम किसी को टेंशन दोगे तो पागल हो ही जाएगा, बड़े प्यार से रखे तो क्या उसे, जैसी बातें कर रहे हो। ठीक है भैया, आपसे ध्यान रखूंगा। एक तो उसके माँ बाप नहीं है, और तुम्हें तो उसको बच्चे की तरह अपने रखने चाहिए, और तुम उसे दिन रात परेशान करते रहते हो। अगर आपकी बार कुछ किया तो वहीं आके मारूंगा घर पे ही। वैसे भैया आपकी फीस, अरे फीस वीस क्या, तुम अगर गुंजन होती तो चाय वाय पिलाती, तुम हो नालायक, अपना ख्याल रखना है। ठीक है। देखो मेरे घर मैगी बनी है, देखो इधरा, ए इधरा इधरा उधर, क्या कर रहे हो, किसे बुला रहे हो, अंदर आ बेटा, मैगी बन गई है, खा लो। बेटा इसके बाद कुछ और तो नहीं चाहिए? तुरंत चाउमीन चाहिए। हेलो हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं हफ्ते तक के लिए मुझे लीव चाहिए सर। क्यों भैया, तुम्हारे घर की कंपनी है? मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब है सर। अरे वाइफ की तबीयत खराब है तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट करके जॉब पे चुपचाप चले आओ, या तो रिजाइन दे दो। ठीक है सर, मैं जॉब छोड़ सकता हूँ सर, क्योंकि फैमिली सपोर्ट में कुछ नहीं है सर। मत आना तुम। ठीक है सर, आप निकाल दीजिए सर, दूसरा लड़का रख लेंगे। कोई बात नहीं सर। अरे क्या कर रही है, रुक 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 रुक, चलो उठो, चलो चलो चलो, वहाँ यहाँ पोछा लगाना पड़ेगा। उठ जा उठ जा, मुझे मत परेशान करो, मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है। अरे इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। अरे इनकी तो ज्यादा तबीयत खराब हो गई। उठो 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 उठो, क्या हो गया, ये लो दवाई खा लो। तुम ठीक हो? ठीक होने के लिए मुझे हुआ क्या था? तुम्हारी तो याददाश्त चली गई थी ना? नहीं, मेरी याददाश्त नहीं गई थी, मुझे सब याद था। तो तुमने मुझे इतना परेशान क्यों किया? अरे
अरे गुंजन, हमें तो विनय ने कॉल किया था कि तुम बीमार हो, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। नहीं भैया, वो बस मैं ऐसे ही नाटक कर रही थी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी थी गुंजन? भैया बैठिए, मैं आपको सब बताती हूँ। तुम भी बैठ जाओ गुंजन। अब बताओ क्या बात है? भैया जैसे आप जानते हैं कि हम दोनों जॉब करते हैं, पर ये बिल्कुल भी मुझे समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इनको लगता है मैं कामचोर हूँ। अभी नहीं खाया था इन्होंने, और मैं दाल चावल इसीलिए बना के जाती हूँ रोज रोज कि इनको दाल चावल पसंद है। अगर मैं रोटी बना के जाऊँ तो वो भी मुझे वैसी की वैसी मिलती है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं सुबह दाल चावल बना दूँ। पर इन्हें वो भी मेरा बनाना पसंद नहीं आया। इनको लगा कि मुझे शायद कुछ और बनाना आता नहीं, पर मुझे आता है। मैं यही सोचती हूँ कि ये खा लेंगे दाल चावल, इसलिए मैंने वो बनाया था। पर ये हमेशा मेरे को डांटते रहते हैं। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? तो गुंजन तुम बेहोश क्यों हुई? भैया आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर पति पत्नी दोनों ही जॉब करते हैं तो तुम पति ये क्यों भूल जाते हो कि हम पत्नियां घर और बाहर दोनों का काम करती हैं, फिर भी हम पत्नियां अपने चेहरे पर कभी भी थकान नहीं जताती हैं, ताकि आप पतियों को जॉब से आकर घर में सुकून मिले। पर आप सब तो हमसे प्यार के दो मीठे बोल तक बोलना नहीं पसंद करते। आप पतियों को तो ये तक नहीं पता कि हमारी दिन भर की थकान दूर हो जाती है अगर आप हमसे थोड़े से प्यार से बात कर ले। बाकी पतियों को मुझे नहीं पता, पर मुझे समझ आ गया है कि अब से हम दोनों ने शादी की है तो साथ काम करेंगे, साथ मिलजुल के रहेंगे। मतलब कभी मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। अगर हमारी ये स्टोरी आपसे मिलती जुलती हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और बिल्कुल भी ये सब ना सहें, क्योंकि हम पति पत्नी हैं और हम एक रिश्ते में बंधे हैं, तो हम अकेली औरतें ही सारा काम क्यों करें? हमारे पति क्यों नहीं कर सकते हैं? जब हम दोनों साथ में कमा रहे हैं तो उनका हक बनता है कि हमारा हाथ बटाएं। अगर नहीं भी बटाएं तो हमें हमारे साथ कम से कम प्यार से रहें। तो बस यही मैसेज आप तक पहुंचाना था। थैंक यू। अगर वीडियो में कुछ पसंद आया हो या ना पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। मुझे तो समझ आ गया, आप सबको समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।